गाइस, आप लोगों में से सभी मतलब जितने भी हमारे यूट्यूब आईज है हमेशा पूछती है कि दी BTS इंडिया कब आएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, अगर BTS इंडिया आते हैं तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जो BTS को भी फेस करना होगा एंड इंडियन आर्मीज़ को भी। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, आज आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके, सो हेलो गाइस एंड माय यूट्यूब आईज, कैसे हैं आप लोग? आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है एंड आप भी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। एंड यस, मैंने BTS हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए एक न्यू चैनल बनाया है BTS हिंदी करके। वहाँ पे जितने भी BTS के सॉन्ग्स एंड BTS का रन शो है सबको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो गाइस, अगर BTS इंडिया आते हैं या वो इंडिया आने के बारे में प्लान बनाते हैं, इंडिया जैसे मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि 2022 में, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, संभावनाएं बताई थी, है ना, क्योंकि अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि 2022 में या 2023 में BTS इंडिया आ ही रहे, बिकॉज अभी उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल तौर पे नहीं डिक्लेयर किया है। ओके, सो मैंने एक वीडियो में आपको सारे क्या बताया है, पॉसिबिलिटीज़ बताई है। लेकिन अगर BTS इंडिया आते हैं तो क्या चैलेंजेस है जो हमारे आर्मीज़ को एंड यू नो हमारे 7 एंजल्स को फेस करना होगा? तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है वेन्यू। ओके, जैसा कि आप लोगों में से काफ़ी सारे क्यूटी पाइज मुझसे हमेशा पूछते हैं कि दी अगर BTS इंडिया आएंगे तो क्या वो मुंबई आएंगे या वो दिल्ली आएंगे, क्योंकि मतलब अब इंडिया तो एक जगह है नहीं, ना तो वो मुंबई में है ना दिल्ली में है, मान लो कोई लखनऊ रहता है, कोई कहीं पर रहता है, कोई नोएडा है, तो इतनी जगह है ना, तो BTS एक्चुअल में आएंगे कहाँ? ओके, तो सबसे पहला चैलेंज है वेन्यू, क्योंकि जो हमारी इंडियन आर्मीज़ है वो हर जगह है एंड सभी चाहती है कि BTS जब भी इंडिया आए तो वो उस कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर सके। मान के चलो कि अगर BTS इंडिया आते हैं तो अगर वो दिल्ली आते हैं, ओके, वैसे ज़्यादा चांसेस मुंबई के ही है, तो अगर मान लो दिल्ली आते हैं या मुंबई आते हैं तो बाकी आर्मीज़ जो कि मतलब कोई लखनऊ में है, कोई बिहार में है ना, कोई बांग्लादेश तो अलग हो गया, कोई बंगाल में है, कोलकाता में है, तो अलग अलग जो स्टेट में है, तो वो कैसे मिल पाएंगी, है ना गाइस? अगर मुंबई आते हैं BTS तो आपने कई बार सुना भी है कि मतलब हमारी जो आर्मीज़ है अभी बहुत कम एज की भी हैं, बट अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ भी जाती है या अपने किसी दोस्त के साथ भी प्लान बनाती है जाने के लिए, तो मुंबई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कि आपके साथ मिसबिहेव हो सकता है, मिसबिहेव इन द सेंस कि मतलब उनको लगेगा कि न्यू है, ये है, वो है, आपसे ज़्यादा पैसे एक्ट नहीं की वो करेंगे, या हो सकता है कि मतलब मुंबई में भी आपको पता है कि मुंबई में भी ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत लोग हैं एंड जगह बहुत कम है, तो इस सिचुएशन में आपको मतलब अच्छे से आपके लिए एक रूम लेना एंड सब कुछ। अब BTS इंडिया आएंगे तो ऑब्वियसली उससे कुछ दिन, एक दो दिन पहले ही हमें जाना होगा ना मुंबई, अगर वो दिल्ली आते तो, आप अगर दिल्ली में नहीं हो तो आपको पहले ही आना होगा, तो ये सब चीज़ें अरेंजमेंट करना। तो मतलब अगर वो किसी एक पार्ट में आते हैं इंडिया का तो बहुत कम आर्मीज उस चीज़ को अटेंड कर पाएंगी, है ना, एक चैलेंज तो ये है। एंड सेकंड चैलेंज है टिकट प्राइजिंग। यस, हमारी बहुत सारी क्यूटी पाइज है एंड अगर हम इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने आपको बताया है कि BTS का जो टिकट प्राइस स्टार्ट है वो कम से कम 10,000 से स्टार्ट है ना, और जो कि हमारे इंडियन आर्मीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसी आर्मीज़ है जो कि मतलब यू नो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छी फैमिली इन द सेंस, यहाँ पे कोई गलत नहीं समझेगा, सॉरी, मतलब आपको पता है मैं भावनाओं में बह जाती हूँ, मतलब कोई ऐसी फैमिली गर्ल है जो कि यू नो अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनके लिए तो बहुत इजी है कर देंगे पे। लेकिन जो हमारे क्यूट पाइज है बहुत सारे जो कि मिडिल क्लास पुअर क्लास से यू नो बिलोंग करते हैं, बट चाहती तो वो भी BTS को है, वो भी आर्मीज़ है, तो उनके लिए टिकट की प्राइजिंग तो बहुत ज़्यादा है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया $100 USA के लिए बहुत ईजी है, $100 है, लेकिन इंडिया के लिए $100 बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है एल्बम, तो ये है थर्ड आपका जो चैलेंज है वो है एल्बम। तो जब भी आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो तो आपको उस कॉन्सर्ट का एल्बम लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आप उस कॉन्सर्ट को अटेंड नहीं कर पाओगी। एंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि एल्बम सही लोकेशन से, सही जगह से लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 0 लेवल पे आपको यू नो के पॉप एल्बम मिलेंगे,
हमारे लिए कोई आर्मी ऐसी है जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है एंड वो चाहती है कि हम यू नो शिप करवा लेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि शिपिंग भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, इस टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर आप यू नो ऑफिशियल एल्बम सर्च करते हैं तो इंडिया में ये बहुत मुश्किल है एंड विदाउट एल्बम आप जा ही नहीं सकते किसी भी कॉन्सर्ट में BTS के या किसी भी K-pop आइडल के। उसके बाद गाइस जो आपका थर्ड यू नो चैलेंज है वो है सेफ्टी। तो जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द फैंस है, मोस्ट ऑफ द जो आर्मीज़ है K-pop की, जो भी आर्मीज़ है, ब्लिंक्स हो गई, एक्सो हो गई, लाइक कुछ कोई भी है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा यंग है। मतलब यंग इन द सेंस 13, 14, 12 ईयर की, 16 ईयर्स की, मतलब टीनेज में ज़्यादातर है ना, और जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट है एंड जो कि यू नो कॉन्सर्ट के लिए सुटेबल नहीं है। एंड अगर फिर भी आप रिस्क लेके जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यू नो दिल्ली के हो एंड BTS मुंबई में आते हैं, आप रिस्क लेके जाते हो उनके कॉन्सर्ट में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके सेफ्टी को लेके। एंड गाइस आपको पता है कि मतलब हमारे जो आइडल्स हैं, हमारे जो एंजल्स हैं, अगर वो इंडिया आते हैं तो मतलब उनके सामने हमारी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए एंड अपनी सेफ्टी का हमें ख्याल रखना है एंड मतलब उनके सामने बिल्कुल भी हमें ऐसा एम्बैरेस्ड सा फील नहीं करना या उनको नहीं करने देना है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट मिनट पे कुछ ऐसा यू नो मैसअप ऐसा कुछ हो जाए। तो मतलब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ये पक्का ही होगा, बट मैं आपको चांसेस बता रही हूँ कि इंडिया में ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चैलेंजेस है ये जेन्युइन है इंडिया में। आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपको नहीं लगता ये चैलेंजेस हैं इंडिया में इस टाइम पे एंड यू नो ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी जेन्युइन है। एंड गाइस अगर मैं आपको फैन फॉलोइंग के बारे में बताऊँ तो BTS यू नो सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनको इंडिया में ही है उनके फैन फॉलोइंग। इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसको फनी वे में लेना है ओके, दिल पे नहीं लेना है ओके, लेकिन हाँ सच तो सच है ना, इंडिया की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, ले लो दिल पे। नहीं यार दिल पे मत लेना, किडनी पे भी मत लेना, मतलब बस सुन लो आप। गाइस इतना ही नहीं, आपने कई बार देखा होगा कि BTS को एंड BTS के अलावा अदर K-pop बैंड को भी वो इंडिया के कल्चर को, इंडिया के यू नो ट्रेडिशन को, क्लोथ को बहुत बार अप्रिशिएट भी करते हैं। इसलिए यू नो BTS ये भी प्लान कर रहे हैं कि जब भी वो इंडिया में कोई कॉन्सर्ट करेंगे ना तो वो साधारण नहीं होगा, लाइक वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। गाइस इतना ही नहीं, आपको ये भी पता है कि जो हमारी इंडियन आर्मीज़ है वो ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज़ है, USA, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, हर जगह आपको इंडियन आर्मीज़ मिल जाएगी, मतलब इंडियन पीपल आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से 2021 में हमारे जो BTS थे वो इंडिया नहीं आ पाए थे एंड मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि उन्होंने इंडियन लोगों को मैसेज दिया था एंड आप में से किसी एक क्यूट पाई ने कॉमेंट किया था कि क्या मैसेज दिया था वो बताओ, तो उन्होंने हिंदी में बोला था कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी इंडियन आर्मीज़ है वो जल्दी से ठीक हो जाए, उन्होंने हिंदी में नमस्ते बोला था एंड ये मैसेज दिया था अपने इंडियन आर्मीज़ को। इस बात को ध्यान में रख के कि इंडिया में ही बस इंडियन आर्मीज़ नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के BTS जो कॉन्सर्ट करेंगे एंड ये जो हमारे पैंडेमिक अभी भी चल रहा है इसके इम्पैक्ट को भी ध्यान में रख के अगर BTS कॉन्सर्ट करते हैं तो ये भी उनके लिए एक चैलेंज ही है। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको चैलेंजेस बताए, अगर BTS इंडिया आते हैं, इंडिया में कॉन्सर्ट करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय, टेक केयर।